इमरजेंसी के दौर का वो मशहूर किस्सा, जब सोनिया गांधी की फ्रॉक देख नवीन पटनायक ने पूछा था सवाल, सोनिया गांधी से मिला था कैसा जवाब। भारतीय राजनीति का इतिहास जितना दिलचस्प है उतना ही दिलचस्प है इससे जुड़े लोगों की जिंदगी। अमूमन राजनेताओं की जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है ये जानने के लिए हम बेहद उत्सुक रहते हैं, खासकर तब जब वो बात पुराने दिनों की हो। आज हम आपको इमरजेंसी के दौर का एक ऐसा ही किस्सा बताने जा रहे हैं, जब नवीन पटनायक ने इंदिरा गांधी से उनकी व्हाइट फ्रॉक को लेकर सवाल पूछा था। आखिर नवीन पटनायक ने क्या सवाल पूछा था और सोनिया गांधी ने उसका क्या जवाब दिया था, इस वीडियो में आगे हम यही जानेंगे। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल लगा दिया था। सरकार की इस घोषणा के बाद राजधानी दिल्ली पुलिस छावनी में बदल चुकी थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले नजर आने लगे। इमरजेंसी से पहले दिल्ली का जो कनॉट प्लेस शाम होते ही गुलजार हो जाता था, वहां सन्नाटा पसर चुका था। वरिष्ठ पत्रकार तबलीन सिंह अपनी किताब दरबार में इमरजेंसी के बाद के हालात को विस्तार से बयां करती है। वह लिखती है कि इमरजेंसी से पहले कनॉट प्लेस शाम होते ही गुलजार हो जाया करता था, लेकिन आपातकाल के बाद हम लोग शाम के बाद बाहर निकलने से हिचकिचाने लगे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई। दिल्ली एक तरीके से पुलिस स्टेट में तब्दील हो चुकी थी। वे आगे लिखती हैं कि उन दिनों सोशल लाइफ ड्राइंग रूम तक सिमट गई थी। लुटियंस दिल्ली के ड्राइंग रूम में जो पार्टियां होती उसमें ज्यादातर ऐसे लड़के लड़कियां होते जो या तो दून स्कूल से पढ़े होते या बेलहम गर्ल्स हाई स्कूल से। ज्यादातर राजा रजवाड़ों के बच्चे, सरकारी अफसरों के बेटे बेटियां और बॉम्बे के कुछ बिजनेसमैन के बच्चे इन पार्टियों में दिखाई पड़ते। ऐसी ही एक शाम थी जब नवीन पटनायक राजीव गांधी और सोनिया गांधी से टकरा गए थे। तबलीन अपनी किताब में इस किस्से का जिक्र करते हुए लिखती हैं, ये जून के आखिरी हफ्ते की एक शाम थी। मेरे दोस्त मापू उर्फ मार्तंड सिंह ने अपने घर डिनर पार्टी रखी थी। उन दिनों नवीन पटनायक पृथ्वीराज रोड पर रहा करते थे और मेरे पड़ोसी थे। हम लोग अक्सर साथ आउटिंग पर जाया करते थे। चूंकि मार्तंड की पार्टी में हम दोनों इनवाइट थे तो साथ निकले। नवीन ने रास्ते में मुझे बताया कि मार्तंड के भाई भाभी अरुण और नीना राजीव गांधी के जिगरी दोस्त हैं। राजीव से मुलाकात ठीक नहीं होगी क्योंकि उनकी माँ इंदिरा ने मेरे पिता बीजू पटनायक को जेल में डाल रखा है। वे आगे लिखती हैं, सोनिया गांधी और राजीव गांधी थोड़ी देर बाद पार्टी में आए। राजीव ने झक सफेद कुर्ता पैजामा पहन रखा था और सोनिया गांधी ने एक व्हाइट फ्रॉक पहनी थी। तभी मार्तंड की भाभी नीना हमारे पास आई और कहा कि सोनिया गांधी पूछ रही है कि कोने में जो शख्स खड़े हैं क्या वह नवीन पटनायक है। तब मैंने नवीन से कहा कि हमें अब मुलाकात करनी चाहिए। हम राजीव और सोनिया के पास गए, तभी नवीन ने अचानक से सोनिया गांधी की ड्रेस की तारीफ करते हुए सवाल पूछ डाला। नवीन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपने ये ड्रेस वैलेंटिनो से खरीदी है। सोनिया गांधी ने बहुत रूखे अंदाज में जवाब दिया, नहीं, मैंने खान मार्केट में अपने दर्जी से सिलवाई है। सोनिया गांधी का ऐसा जवाब सुनकर वे हड़बड़ा गए और इसके बाद आगे कोई बातचीत का स्कोप नहीं बचा। तो ये थी कहानी उस किस्से की, जब नवीन पटनायक ने सोनिया गांधी से उनकी फ्रॉक को लेकर सवाल पूछा था। आपको ये किस्सा कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की मजेदार और रोचक जानकारियों के लिए वन इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।